मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन फिजिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस विद यू दैट देयर आर टू एरियाज इन दिस चैप्टर। फर्स्ट एरिया अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड एरिया बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो प्रीवियस वीडियो में जो अर्थ मैग्नेटिक में तीन कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, तीन टॉपिक पढ़ाए थे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक। उन तीन में से या तो क्वेश्चन आता है और या फिर आता है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसके बीच के जो नॉर्मल टॉपिक है, चैप्टर्स हैं, वो आपके पास ऑलरेडी पहले भेजे हुए हैं, अदरवाइज आई विल सेंड इट अगेन। बट जो बोर्ड का क्वेश्चन आता है वो हमेशा या तो अर्थ मैग्नेटिक वाले फैक्टर्स से आता है और या फिर बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में से आता है। तो मैंने एक टॉपिक प्रीवियस वीडियो में पहले कर दिया था और एक टॉपिक आज कर रहा हूँ, और आज के वीडियो में आपको सेट कर रहा हूँ कि जो अर्थ मैग्नेटिक के लिए जो भी मटेरियल्स हैं जिनमें मैग्नेटिज्म है, जिनमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, उनको हम अलग अलग तीन जगह कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं या जो हमारे जिनमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखना चाहते हैं, वो हमें तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले होते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मींस डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, या जिनमें मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं होता, या जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए तो पार्शियली रिफ्लेक्ट होते हैं, रिपल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मीन्स उनमें मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म नहीं होता, या ये कहें कि उनकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो नेगेटिव होती है। सेकेंडरी आता है डाइमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से उनको अलग करोगे वो अपना मैग्नेटिज्म फिर से छोड़ देते हैं, यानी दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ उसके बाद में है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक खास बात होती है कि अगर उनको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और अगर फिर मैग्नेटिक फील्ड से उनको बाहर कर दें तो उनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रेजेंट रहता है। तो हम निकिल, कोबाल्ट ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम मैग्नेटिक के बिहाव पर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें हमारे पास जो भी टर्म है वो मैग्नेटिक नेचर को आइडेंटिफाई करता है या मैग्नेट बनाता है। ठीक है, तो मैंने डाई मैग्नेटिज्म, पैरा मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म तीनों कंटेंट को अलग अलग बिहाव पर मैंने क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तीनों की जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं आपके सीपी, उसमें एनसीईआरटी में भी इसका एक पैरा दे रखा है, उस पैरा के बिहाव पर आप तीनों को क्लासिफाइड बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में उसके या तो एग्जाम्पल दे देना, फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। तो दो एग्जाम्पल डाई के दे दिए, एक पैरा का दे दिया, दो फेरो के दे दिए। आपसे पूछ लेगा कि इसमें से चूज द डाई पैरा फेरो, और फिर उनकी एग्जाम्पल बताओ, फिर उनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, फिर उनके लिए उनकी जो बिहेवियर के साथ साथ में मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करने की इफिशियंसी होती है, मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करने की इफिशियंसी होती है। मान लो मैंने पढ़ाया आपको, आपने इसमें से 60% समझ में आया, तो ये 60% आपकी इफिशियंसी होगी।
इसे कहते हैं सक्सेप्टिबिलिटी। क्या? इसे कहते हैं सक्सेप्टिबिलिटी। तो सक्सेप्टिबिलिटी कहते हैं कि जब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या डाइपैरा फेरो को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कितना मैग्नेटिज्म उसने एक्सेप्ट किया। तो डाइमैग्नेटिक की नेचर होती है कि वो मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उनकी सक्सेप्टिबिलिटी को नेगेटिव सक्सेप्टिबिलिटी कहते हैं। पैरा मैग्नेटिक ऐसे होते हैं कि कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन उतनी देर करते हैं जितनी देर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो उनकी सक्सेप्टिबिलिटी कुछ वैल्यू में होती है, ठीक है, यानी जीरो से ज्यादा थोड़ी सी होती है। और फिर होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिन्हें मैग्नेटिक में रखा जाए तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा सक्सेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैं बिहाफ पर एक एक चीज के बिहाफ पर उनको डिफाइन करता हूं। मैंने यहाँ अलग अलग कंटेंट्स लिख रखे हैं, देखो प्रॉपर्टीज मोस्टली मैंने शेयर किए हैं, आपको इनमें से ज्यादातर मिलती है ये और ये, और ये एग्जाम्पल है। एक टेम्परेचर मैंने और इंक्लूड कर दिया है, हैं तो और भी आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि तीन नंबर का आता है, तीन नंबर में एक 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 तो यही करता है। तो देखो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट में क्या होता है कि जब ये सब्सटेंस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो इनमें से मैग्नेट अंदर से पास नहीं हो सकता, अंदर से पास नहीं होगा, इनके बाहर से मैग्नेटिज्म जाएगा, इनके बाहर से मैग्नेटिज्म जाएगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो बाहर से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो बाहर से आ रही है, इसके अंदर से नहीं जा सकती, अंदर से नहीं जा सकती। जैसे हमने करंट के केस में पढ़ाया ना कि वुडन है, वुडन में से करंट पास नहीं होगा, ऐसे ही कुछ बिहेवियर इनका है। तो ये इनकी फील्ड लाइन बना रखी है कि जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक में जाए तो फैमिली रिपल लिखा है, मतलब इससे दूर होकर चली जाएगी, इससे दूर होकर चली जाएगी, इसीलिए इसको रिपल दिखा, रिपल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि इसमें मैग्नेट है इसमें मैग्नेट है इसीलिए रिपल है, नहीं, ये तो मैग्नेट होता ही नहीं, इसमें से बाहर होकर निकल जाएगी, यानी ये ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो डाइमैग्नेटिक में फील्ड लाइंस बाहर से जाएगी। उसके बाद आ गया पैरामैग्नेटिक, प्रॉपर्टी है कि डिफाइन कर रहा हूं, पहले डाई को कर दिया, फिर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को कहते हैं फेमल अट्रैक्ट, मतलब बाहर से भी अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड होंगे केवल उतनी देर तक ही मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पार्शियली मैग्नेट मतलब सीधी नहीं जाकर पार्शियली टेढ़ी होकर इसके अंदर से जाएगी, फील्ड लाइन मटेरियल के अंदर से जाएगी, तो इस मटेरियल को कहते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद आ गया बेटा तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, They are tightly or strongly attracted. ये हमेशा strongly attracted होते हैं। यानी field lines में जब भी या बाहर के magnetic field में जब भी ferromagnetic material को रखा जाएगा तो they are strongly magnetized. They are strongly attracted. ठीक है? तो ये तीन, 1, 2 and 3 ये तीनों तो आ जाते हैं। आधे नंबर का ये, आधे का ये, आधे का ये, कितना हो गया? 1.5. How much? 1.5. अब रह जाता है कि 1.5 और देना, तीन नंबर का चैप्टर है, तो 1.5 और देने के लिए क्या करता है, या तो एक टर्म ये उठा लेता है, या एक टर्म ये उठा लेता है, और या एक टर्म ये एग्जांपल वाला उठा लेता है, तीनों में से कोई एक ले लेता है, या ये एग्जांपल दे दिए बताओ, या ये इक्वेशन दे दिया बताओ, कौन सा टाइप पैरा फेरो है उनकी प्रॉपर्टी बताओ। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी है सक्सेप्टेबिलिटी। मैंने क्या कहा था सक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं जब किसी भी मैग्नेटिज्म में रखे जाए तो कितना परसेंट मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट करते हैं, उससे कहते हैं क्या, सक्सेप्टेबिलिटी। तो देखिए सक्सेप्टेबिलिटी का एक काई कहते हैं बेटा, इसे काई, CHI, काई, CHI बोलते इसको, काई है, ध्यान रखना है, M फॉर मटेरियल, हाँ जी, काई मटेरियल, जीरो से कम होती है तो डेसिमल वैल्यू कहेंगे या नेगेटिव वैल्यू कहेंगे, और -1 से कुछ ज्यादा होती है, इक्वल कहो तो नेगेटिव में और डेसिमल में इसकी वैल्यू होती है, तो नेगेटिव का मतलब हो गया कि रिपल्सिव बिहेव हो गया। दूसरी तरफ आ जाओ, इनकी क्या कंडीशन होती है, जो डाइ पैरामैग्नेटिक होते हैं इनकी सक्सेप्टिबिलिटी जीरो से ज्यादा होती है, और जीरो से ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होती है, एप्साइलन से कम होती है, मतलब जो मटेरियल है इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ये एग्जाम्पल है, इनकी परमाबिलिटी पढ़ी आपने सेकंड चैप्टर में, परमाबिलिटी
प्रॉपर्टी जितनी होती है उससे कम होते हैं। परमाबिलिटी सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, हर मेटल हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, तो जितनी इन मटेरियल्स की परमाबिलिटी है उससे तो कम होती है सक्सेप्टेबिलिटी, और जीरो से ज्यादा होती है। आप तो ये याद रखो जीरो से ज्यादा होती है, जीरो से ज्यादा का मतलब है कुछ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए तो ये मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म को स्वीकार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या दे रखा है, फेरोमैग्नेटिक्स में सक्सेप्टेबिलिटी ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से कई गुना ज्यादा होती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है। या जब भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो आसानी से मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर, इसे तो कहेंगे बिहेव ऑफ द डाइपैरा फेरो बिहाफ ऑफ सक्सेप्टेबिलिटी। अब मैं तीसरी बात करता हूं, तीसरी बात आती है परमाबिलिटी। क्या कहेंगे, परमाबिलिटी। परमाबिलिटी को बेटा म्यू से लेते हैं, म्यू तो ये तो रही परमाबिलिटी इस डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये तो रही मटेरियल की, और ये रही एयर की। एयर की परमाबिलिटी तो सब जानते हो कितनी होती है, म्यू नॉट इक्वल टू होती है बेटा 4π × 10⁻¹⁷। ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, तो इस वैल्यू से कम होती है इनकी परमाबिलिटी, इस वैल्यू से कम होती है, ध्यान रखना है, लेस देन है। ठीक है, आगे चलते हैं, परमाबिलिटी ऑफ मीडियम इससे ज्यादा होती है, तो पैरामैग्नेटिक की परमाबिलिटी ज्यादा होती है। इधर आ जाओ, पैरामैग्नेटिक की परमाबिलिटी फेरोमैग्नेटिक की और ज्यादा होती है। तो परमाबिलिटी का मतलब होता है यहां कि वो मटेरियल खुद के अंदर भी कुछ मैग्नेटिज्म रखता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिज्म जनरेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया दूसरा, क्या बिहेवियर ऑफ द एयर। तो किसके व्याप पर आ गया, परमाबिलिटी के व्याप पर आ गया। अब आती है रिलेटिव परमाबिलिटी। तो रिलेटिव परमाबिलिटी में यहां लिख दो थोड़ा सा, नहीं भी अब मेरे पास और कोई जगह कोई है नहीं, यहां ऊपर लिख देना हूं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया इतना। रिलेटिव परमाबिलिटी होती है बेटा म्यू आर इक्वल टू परमाबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी मीडियम की, किसी भी मटेरियल की परमाबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट होती है। ठीक, अब ये हमने कहा कि रिलेटिव परमाबिलिटी यानी रेशियो तो हमारे पास ये है, अब इस रेशियो से ज्यादा होगी या कम होगी, तो देखो इधर रिलेटिव परमाबिलिटी 1 से तो कम होती है, 0 से ज्यादा होती है। म्यू ओवर म्यू नॉट का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कब होगा, जब म्यू नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। क्या, जब ये वैल्यू ज्यादा होगा तो इसे डिवाइड करोगे, ये ज्यादा है ये कम है तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये देखो इधर लिखा हुआ है म्यू नॉट से म्यू कम है, अगर म्यू ज्यादा है म्यू कम है, म्यू ज्यादा है म्यू कम है तो वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो ये क्या लिखा है, लेस देन 1, चाहे यहां से समझ लो चाहे यहां से समझ लो, आप रफ में एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो बेटा। ठीक है, इधर आ जाओ, रिलेटिव परमाबिलिटी अब क्या है, 1 से तो ज्यादा है, 1 से तो ज्यादा है, सॉरी 1 से कम है, रिलेटिव परमाबिलिटी 1 से, 1 से ज्यादा है कम है, रिलेटिव परमाबिलिटी, हां ठीक है, 1 से ज्यादा, 1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमाबिलिटी आता है, मीडियम की परमाबिलिटी अलग होती है, तो 1 प्लस समथिंग वैल्यू, 1 प्लस समथिंग वैल्यू ये इससे कम होती है। ठीक, ऐसे इधर आ जाओ, रिलेटिव परमाबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, ध्यान रखना। तो ये डिफाइन करना है आपको, तो तीन पैरा समझा दिए मैंने, एक तो फर्स्ट हो गया इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, दूसरा सक्सेप्टेबिलिटी, तीसरा परमाबिलिटी और चौथा रिलेटिव परमाबिलिटी। अब आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर का मैग्नेटिज्म में असर पड़ता है, इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर का कोई भी असर इन डाइमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर नहीं पड़ता। अरे डाइमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनमें हम मैग्नेटिज्म नहीं पैदा कर सकते या जिनको हम मैग्नेटिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब ये तो सारे मटेरियल यूनिवर्स में हैं, हमारे सराउंडिंग में हैं, तो उनके बिहाफ पर क्लासिफाइड तो करना ही है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है ये हमने यहाँ डिफाइन की है, एक्सप्लेन की है। तो क्या है,
इज डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। डाइमैग्नेटिक में टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर बड़ा हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्सेप्ट करते हैं। अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर या ससेप्टेबिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ससेप्टेबिलिटी जो ये वाली चीज थी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला जो ससेप्टेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक की 1/T-TC, ये आपकी बुक में एक रिलेशन है क्यूरी टेम्परेचर का। क्यूरी टेम्परेचर किसको कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं बेटा जिस पर कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। छोड़िए से थोड़ी देर, मैं ये कहता हूं कि फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज किया, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते 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 ले जाएं, तो वो धीरे धीरे अपना मैग्नेटिक इफेक्ट रिड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कम कर देगा। और कितना कम कर देगा? जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म कम होता है, फेरो का ज्यादा होता है, तो ज्यादा से धीरे धीरे कम करेगा और पैरा की तरह बिहेव जब करने लगे उस टेम्परेचर को बेटा कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी का नाम सुना है मैडम, क्यूरी केमिस्ट्री में, ठीक है, उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ बिहेवियर तो चेंज होता है, ये लिखा ना, susceptibility is inversely proportional 1/T-TC, मतलब टेम्परेचर आप क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा ले जा रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा ले जा रहे हैं, इस टेम्परेचर की एक वैल्यू है, तो ये और अपना मैग्नेटिक खोते हुए जाएंगे। इस टीसी टेम्परेचर पर तो ये डाई फेरोमैग्नेटिक पैरा की तरह काम करता है। ये डेफिनेशन भी आपको कहीं लिख लेनी है, अभी सब जाओ ठीक है। यहाँ कहा टी इज ग्रेटर देन टी सी, अगले स्टेप में आइए, लास्ट में लिखा है उन्होंने क्या एग्जांपल्स क्या कहे इसके। तो एग्जांपल में देखो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आते हैं बिस्मथ, कॉपर, पीबी, सिलिकॉन, N2SP2 पर। N2 कब आएगा? SP2 पर ध्यान रखना है, ठीक है, SP2 आप जानते हैं। पैरामैग्नेटिक में AlNaCaO2SP2 आ गया और CuCl2 है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फेरोमैग्नेटिक में बेटा, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या है? Fe है, Na निकल है, कोबाल्ट है, ये आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये तो आप सब जानते हो, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। इनके बिहाफ पर तो बड़ी आराम से आप देखो, अभी मैं बाहर अलग खड़ा हूँ तो आप आराम से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो अपने इससे, इसलिए मैं बार बार अलग हो रहा हूँ। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपने अभी लिखा है और सॉरी जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसी के बिहाफ पर बोर्ड में क्या करता है, ये लिखा हुआ देगा, ये लिखा हुआ देगा, ये लिखा हुआ देगा, ठीक है, कॉमा लगा लगा कर देगा। मान लो ये पहले लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर ये सबसे बाद में लिखा, आपसे कहेगा आप इन्हें पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पैरा है, कौन सा फेरो है, कौन सा पैरा फेरो है, डाई है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करोगे, एक तो उसके मार्क्स होंगे, दूसरा फिर कहेगा कि इनको एग्जांपल दीजिए एक एक, तो तीनों में से एक एक एग्जांपल देना है। फिर कहेगा कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर शो कीजिए, तो तीनों का डायग्राम बनाना है। जरूरी नहीं तीनों दे दे एक साथ, दो भी दे सकता है। मैंने ये कहा था कि या तो 3 नंबर का अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में सॉरी क्वेश्चन आएगा, या 3 नंबर का इसमें से आ जाता है, दोनों को और में दे देता है, दोनों में से कोई भी कर लो। कई बार ऐसा करता है 2 नंबर का इसमें से 1 नंबर का जो प्रीवियस वीडियो किया था, कई बार ये कहता है 2 नंबर का वहां से 1 नंबर का यहां से कर लेता है, वो टोटल चैप्टर 3 नंबर का है। लेकिन बार बार कहूंगा याद रखना, इस चैप्टर में पूरा चाहे नहीं पढ़ो चल जाएगा। एक तो अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरा लिखना है डिफरेंशिएशन या डिफरेंस बिटवीन डाई पैरा एंड फेरो, ये याद रखना है ढंग से, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको ढंग से।
तो ये कर दिया आपको। अब मैं मार्क कर रहा था इसी में, आपकी सैटे बुक में दे रखा है या पहले गया होगा आपके पास में, जो क्यूरी टेम्परेचर किसको कहते हैं, जिसे टीसी, क्या टेम्परेचर ऑफ टीसी, यहां देखो मैं ये लिख देता हूं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर जिसको बेटा टीसी कहते हैं, याद रखना एक नंबर में। जैसे क्यूरी टेम्परेचर जी नॉर्मल टेम्परेचर से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ाएंगे, जिस पर यह फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाए, या फेरोमैग्नेटिक जितना उसमें सक्सेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म था उसे धीरे धीरे लॉस करने लग जाए, और इतना लॉस कर दे जितना कि पैरामैग्नेटिक का होता है, टोटली तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होता जितना कि पैरा में होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच, समझ लेना आपने पहले कर रखा है, एट विच पैरो कन्वर्टेड टू पैरा, इतना ही लिखूंगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझ में नहीं आई तो दिक्कत देगा। वीडियो को क्रॉस करके पीछे करके देख लेंगे तो आपको ये पहले वाला स्क्रीनशॉट दे देना, आप आराम से, मैं पहले दो तीन बार हट गया हूँ वहां से, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इस चैप्टर को अब आप कीजिए। आपके जो जो क्वेश्चन देखो बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा, इस स्टडी में इस समय वही चीज चलेगी, तो आप बार बार इस चीज को ठीक से देख लीजिए। प्रॉपर वीडियो आपके पास आ रखा है, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।